आज पूरे देश में सीआईटी और तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले दो दिन की हड़ताल आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में आज हमीरपुर के अंदर हजारों मजदूर जो सीआईटी के विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं आज यहां पे एकत्रित हुए हैं। मजदूरों की मांग है कि साथ में वेतन की आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 18,000 रुपये मासिक और 600 रुपया एक दिन का वेतन दिया जाए। इसके साथ साथ 3,000 रुपया मासिक पेंशन का प्रावधान मजदूरों के किया जाए और तमाम सेक्टरों के अंदर जिस तरीके से ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की जा रही है उसको बंद किया जाए और सभी को जो है नियमित तौर पर जो है रोजगार दिया जाए, एक समान काम का एक समान वेतन किया जाए और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो है तुरंत लागू किया जाए। जो नरेगा के काम अभी बंद पड़े हैं और नरेगा का बजट लगातार केंद्र सरकार बंद कर रही है, उसको काट रही है, उसके चलते जो है गांव के अंदर बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। उन कामों को तुरंत शुरू किया जाए, मनरेगा का बजट जो है बहाल किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। ये महज सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन नीति बदलने को लेकर है और जब तक जो है ये नीति नहीं बदली जाती है इस देश का मजदूर जो है सड़कों पर आंदोलन करेगा। निश्चित तौर पर जो है जो मजदूरों के प्रदर्शन हुए हैं उसके चलते कुछ हद जो है अंकुश जो है लगा है, मगर जो है ये सरकार बहुत ही बेशर्मी के साथ बड़ी तत्परता के साथ जो है मजदूर बुद्धि निर्णय जो है वो लागू कर रही है। मगर जो अब मजदूरों ने ठान लिया है कि जब तक इस सरकार को बदला नहीं जाता है तब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगी, इससे बदल जाएगा इशू, ये डाइल्यूशन हो जाएगी, इसके लिए अलग से उसको अलग से करो उसको आरक्षण।